मित्रों, लगभग हिंदू समाज में 90% लोग ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं यह मंत्र आकर्षण एवं श्रद्धायुक्त भय मंत्र है और इसके महत्व का वर्णन करना हमारे लिए असंभव एवं न के बराबर है। लेकिन फिर भी हम इस मंत्र की महिमा एवं प्रभाव को बताने का एक छोटा सा प्रयास करने वाले हैं, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने आपके लिए कुछ पहले वीडियो में बताया है कि शिव दीक्षा की महत्ता के बारे में, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल एमवी म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखिए मित्रों, जो लोग सावन में शिवजी का व्रत एवं उपासना रखते हैं या फिर जो रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उनके लिए इसकी महत्ता को जानना और भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इससे आपके ज्ञान में उत्पत्ति होगी, साथ ही आपको अनेक प्रकार के लाभ भी प्राप्त होने वाले हैं। तो कृपया कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस मंत्र को लेकर कहा जाता है कि इस मंत्र का मुकाबला दूसरा और कोई मंत्र नहीं कर सकता और न इस मंत्र से ऊपर और कोई मंत्र है। ओम नमः शिवाय सबसे लोकप्रिय हिंदू मंत्रों में से एक है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है भगवान शिव को नमस्कार या उसे मंगलकारी को प्रणाम है। ओम को छोड़कर इसे शिवा पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ पांच अक्षर शब्द है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंत्र श्री रुद्रम चमचम और रुद्रष्ट अध्याय में ओम नमः शिवाय के रूप में प्रकट हुआ है। रुद्रम चमचम कृष्णा यजुर्वेद का अंश है और रुद्राष्टाध्यायी शुक्ला यजुर्वेद का भाग है और सैफ सिद्धांत परंपरा है, जो सैफ संप्रदाय का हिस्सा है। इनमें नमः शिवाय को भगवान शिव के पांच तत्वबोध और उनकी पांच तत्वों पर सार्वभौमिक एकता को दर्शाता है। अब हम जानते हैं कि नमः शिवाय किस किस ध्वनि को उच्चरित करता है और उनका क्या प्रभाव है। न ध्वनि पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है, मह ध्वनि पानी का प्रतिनिधित्व करती है, शी ध्वनि अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है, वा ध्वनि आकाश का प्रतिनिधित्व करती है, यह ध्वनि आकाश का प्रतिनिधित्व करती है। ओम तीन अक्षरों से मिलकर बना है, आ उ म, और अ का अर्थ है उत्पन्न होने, उ का अर्थ है वृद्धि, म का अर्थ है मौन अवस्था में आ जाना, यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। शिव पुराण के अनुसार हर ओम नमः शिवाय मंत्र में शिव, विष्णु, माँ दुर्गा, श्री ब्रह्मा और गणेश शामिल है। शिव में संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसलिए वह सर्वोच्च शक्ति है। शिव पुराण के अनुसार 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय जप करने पर आप होंगे ब्रह्मलीन। जी हाँ, यह मंत्र आपको स्वयं ब्रह्मा बना सकता है। शिव पुराण में इस मंत्र का पूरा अध्याय है। अब आप समझ गए होंगे कि यह मंत्र कितना महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और आकर्षित है। इस मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। यदि आप लगातार इसका जाप करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी सहायता करेंगी, क्योंकि कोई भी शक्ति भगवान शिव पर शासन नहीं कर सकती। दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है, तो बोलिए ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 10 करोड़ बार जाप करें और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि आप इतना आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो केवल सांसारिक दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो यह मंत्र आपके लिए उत्तम है। यह मंत्र भगवान शिव के नजदीक आने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे और इससे आपका भगवान भोलेनाथ में विश्वास गहरा होगा। यह मंत्र आकर्षण एवं श्रद्धायुक्त भय मंत्र है और इसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यह मंत्र आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरफ से ही शुद्ध करता है। ओम नमः शिवाय शब्दों से परे है, इसके महत्व का वर्णन करना हमारे लिए संभव नहीं है।
इस मंत्र का जाप करने से आप निस्वार्थ और शुद्ध हो जाएंगे और तब आपको महादेव की अनुभूति होगी। क्या रोजाना ओम नमः शिवाय जाप करने से क्या हो सकता है? ओम नमः शिवाय मंत्र का रोजाना जाप करने में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, आप अशब्दों का प्रयोग बंद कर देंगे, आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, आप अपने जीवन में बहुत सकारात्मक महसूस करने लगेंगे, आप अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हुए देखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप सफल और शांत स्वभाव के हो गए हैं, आप जीवन का सम्मान करना आरंभ कर देते हैं, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, आपके माथे पर सदैव तेज रहता है, भगवान भोलेनाथ के नाम और धर्म के अनुसार जीने के अलावा आपके मन में कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आपसे इजाजत है, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।